खबर प्रयागराज हिंसा से जुड़ी हुई। हिंसा भड़काने वाले 59 उपद्रवियों की फोटो पुलिस ने जारी की है। जगह जगह चिपकाए गए हैं पोस्टर। 10 जून को जिस तरह जिन लोगों ने हिंसा की थी बेगमगंज इलाके में, आपकी जगह अटाला इलाके में, उनके तस्वीरें जारी की है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 59 लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं। 59 उपद्रवी हैं जिनके पोस्टर पुलिस की ओर से जारी किए गए हैं। इन पर हिंसा भड़काने के आरोप हैं। तस्वीरें बाकायदा पत्थरबाजी करते हुए, हिंसा भड़काते हुए जगह जगह ये पोस्टर लगाए गए हैं और इनकी तलाश कर रही है पुलिस। इससे पहले मोहम्मद जावेद का घर बुलडोज किया जा चुका है और अब इन उपद्रवियों के पोस्टर लगाए हैं। ये उपद्रवी 59 लोग जिनके पोस्टर जारी किए गए हैं पुलिस की ओर से। संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, 59 उपद्रवियों के पोस्टर पुलिस की ओर से जारी किए गए हैं, इस मामले में क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी और हुई है? देखिए चंदन, अब तक 90 से ज़्यादा गिरफ्तारियां प्रयागराज में 10 जून को जो हिंसा हुई थी उस मामले में हो चुकी है, जिसमें मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद भी शामिल है और जावेद मोहम्मद का घर भी गिरा दिया गया है, क्योंकि कई लोग गिरफ्तारियों पर सवाल खड़े कर रहे थे। इसलिए प्रयागराज की पुलिस ने लगभग 55 से 60 उपद्रवियों की फ़ोटो जारी की है, जो कि इन तस्वीरों में उन्हें देखा जा सकता है कैसे पथराव कर रहे हैं, चेहरे पर कपड़ा बांध कर एक साथ 2 से 3 उपद्रवी मोटरसाइकिल और स्कूटी पर बैठ कर हिंसा वाली जगह पर पहुंच रहे थे। और ऐसी तमाम तस्वीरें और भी अभी प्रयागराज पुलिस जारी करेगी। हालांकि इनमें से अधिकतर को गिरफ्तार कर चुकी है प्रयागराज की पुलिस और आगे भी गिरफ्तारियां जारी रह सकती हैं। फिलहाल 17 तारीख को जो जुमे की नमाज है उसको लेकर प्रयागराज के पूरे इलाके में पुलिस सक्रिय है और इस कोशिश में है कि सब कुछ शांति से शुक्रवार को निपट जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल पांडे पूरी जानकारी के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।